हेलो फ्रेंड्स, सो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक्चुअली हमारा जावा कोड या फिर कोई जावा प्रोग्राम अगर मुझे रन करना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे तो मैं कैसे रन करूँ उस कोड को। सो सिंपली लाइक जब मैं भी कभी ट्रैवलिंग में रहता हूँ तो मुझे मेरे पास लैपटॉप हैंडी नहीं होता है, तो मुझे भी लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो जो मैं अपने मोबाइल से ही कर सकूँ, जो मेरा जावा प्रोग्राम रन कर सके और मैं प्रैक्टिस के लिए उसे यूज़ कर सकूँ, सो मैं वो कैसे करूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है और लाइक हमें बस एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और उस एप्लीकेशन को यूज़ करके हम जावा कोड रन कर सकते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको पहले वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और जिसका नाम है AIDE। सो लाइक ये होता है एक IDE बोल सकते हैं इसे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर लाइक एंड्रॉयड पे है इसीलिए उसका नाम AIDE रखा हुआ है उन्होंने। सो AIDE विच इज़ IDE फॉर एंड्रॉयड जावा C++। सो डाउनलोड करने के बाद अभी इसे ओपन कर लीजिए एंड ओपन करते ही आपके सामने वो ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे जिसे आपको कंटिन्यू फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है। सो लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं तो हम अभी कंटिन्यू फ्री कर देते हैं और फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो लोग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे विच इज़ लाइक प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। उन्होंने एक स्कैनर क्लास यूज़ किया हुआ है और साथ में उन्होंने दो वेरिएबल यूज़र से इनपुट में लिए हुए हैं और उनके फिर प्रोडक्ट निकाल के हमें प्रिंट कराया हुआ है। ये तो उनका डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम हो गया, बट हमें अगर एक नया प्रोग्राम क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना, आपको इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जाके आपको फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। फाइल्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू क्लास, आप इसके ऊपर क्लिक करना है और समझिए मैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करना चाहता हूँ तो मैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करूँगा। मैंने कहा हेलो और इसका बेस्ट मैंने चेक किया तो लाइक इसका बेस्ट वे है कि ये हमें इंटेलिजेंस भी देता है। यहाँ पे अगर मुझे फास्टली काम करना है तो मैं डायरेक्टली उस इंटेलिजेंस के ऊपर क्लिक करूँगा। सो लेट मी क्रिएट अ मेन क्लास वॉइड मैन, सॉरी वॉइड मैन, और फिर हमें ये ब्रैकेट देने हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे स्ट्रिंग ARGS विच इज़ ये हमारा मेन मेथड का सिग्निफिकेंस सिंटैक्स है। और फिर आपको यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं कहूँगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा जो मुझे वहाँ पे वेरिएबल चाहिए। तो मैं अभी कहता हूँ हेलो AIDE तो इस प्रकार, और सेमी कॉलन देना मत भूलिए, सिंटैक्स अगर सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारा कोड। और फिर आपको इसे रन करना है, कंटिन्यू फ्री के ऊपर क्लिक करना है आपको। अभी ये बोल रहा कंपाइलिंग, आपसे पूछेगा आपको कौन सी फाइल रन करनी, तो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया हेलो, आपको हेलो के ऊपर क्लिक करना है और ये रहा आपका आउटपुट। इस प्रकार हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इसमें आप वेरिएबल असाइन करके यूज़र से इनपुट ले सकते हो, जैसे कि उन्होंने पहले प्रोग्राम में उन्होंने खुद बताया हुआ है, वैसे आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको डायरेक्टरी में लेके जाता हूँ कि हमारे फाइल के स्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं। आपको डायरेक्टरी में जाना है और जैसे आपने अपने ऐप को जहाँ भी इंस्टॉल किया होगा इंटरनल या फिर SD कार्ड में, तो वहाँ पे वो फाइल क्रिएट करेगा। यहाँ पे उसने फाइल क्रिएट किया है SD मेरे इंटरनल स्टोरेज में ऐप प्रोजेक्ट्स करके। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो जो मेन ऐप प्रोजेक्ट के अंदर जो है जो मेन उस पैकेज का नाम है हेलो और फिर उसके अंदर जो है SRC। SRC में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो फाइल्स हैं, हेलो डॉट जावा और मेन डॉट जावा। हेलो जो मैंने क्रिएट किया था, ओके। और फिर अगर आप और पीछे जाओगे तो यहाँ पे बिन में आपको
सारी चीज़ें डॉट क्लास फाइल ये सारी चीज़ें हैं। सो ऐसे ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जैसे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है जावा के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और उन्हें भी पता उन्हें भी आइडिया आ जाए कि जावा कोड को रन मोबाइल में कैसे करते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।